हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ मीशो ऐप में अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़े, कैसे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं मीशो के ऐप में। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप देख सको। दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है बैंक अकाउंट अपना कैसे ऐड करना है मीशो के ऐप में, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लाइव ऐड करके दिखाऊंगा कैसे ऐड करना है। तो मीशो का ऐप सबसे पहले आपके मोबाइल में यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया है। जब आप मीशो ऐप ओपन करते हो तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा दिखता है। तो आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, कैटेगरीज, ऑर्डर्स, कम्युनिटी, अकाउंट। तो आपको यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, वहीं से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एडिट करके वहाँ से आप ऐड करोगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है माय बैंक डिटेल्स, तो उस पर ही आपको क्लिक करना है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आप मेरा ऐड किया हुआ है, वो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। आपको एडिट पे क्लिक करना है, यहीं से आप ऐड करोगे जाके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों ऊपर जो फ़ोटो दिख रहा है, तो आप वहाँ फ़ोटो में अपना बैंक का पासबुक का फ़ोटो डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, जो 12 नंबर का अकाउंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल करके दिखा रहा हूँ। तो आपके जो पासबुक में अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर अच्छे से डाल लेना है, और एक बार चेक कर लेना है कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि बार बार वो ऐड नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा है कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो जो ऊपर आपने अकाउंट नंबर डाला है वही यहाँ पर डालना है और कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम लिखा है, तो जो आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है आपको वो अपना नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे IFC कोड लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो IFC कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी आपका IFC कोड है आपके पासबुक में लिखा रहेगा, तो आपको वहीं से लेके अपना IFC कोड यहाँ पे डाल देना है। और एक बार जब डाल दोगे तो पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लेना है कि सब प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा नीचे रेड कलर का, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो ऐड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक अकाउंट, जो भी इन्फॉर्मेशन है ऐड करना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों बहुत सारा।